ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਵੈਰ ਕਿਦਾਂ कल गाड़ी अनलोड हुई है माशाल्लाह, उसमें शेड बहुत प्यारा आया है। एक ये शेड है और एक ये शेड आया है और एक ये चीता ज़ेब्रा में एक ये शेड आया है। काफ़ी अच्छा माल आ चुका है। कल गाड़ी अनलोड हुई है माशाल्लाह, उसमें शेड बहुत प्यारा आया है। एक ये शेड है और एक ये शेड आया है और एक ये चीता ज़ेब्रा में एक ये शेड आया है। काफ़ी अच्छा माल आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड थैंक यू फॉर कमिंग बैक। सब अहबाब का मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा जी, आज का प्रोग्राम कुछ ऐसे है कि मुझे कॉल आई है अभी थोड़ी देर पहले कज़न की कि एक जगह पे बड़ा अच्छा बकरा खड़ा हुआ है, आके चेक कर लो। मैंने कहा जी ठीक है, सीज़न है बकरा ईद का, तो जाहिर सी बात है फिर यही काम धंधा है आजकल। जहाँ से कॉल आते हैं, जहाँ से पता चलता है कि फ़लानी जगह पे फ़लाना जानवर खड़ा हुआ है, चलो जी चलें। अब हम जा रहे हैं फार्म पे, तकरीबन थोड़ा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। कॉल आई है, कॉल भी सुन लें किसकी है। अभी अदनान को लेंगे टाउन से, फिर उसको ले के सबसे पहले हाँ जी ज़फ़र भाई को लेना है। ज़फ़र भाई को ले के फिर अदनान को लेंगे, उसके बाद जाएंगे फार्म पे, बकरा शकरा चेक करेंगे क्या बकरे के हालात वाकयात हैं, कितने का है, कितने वज़न का है। तो फिर चलें, ज़फ़र भाई को ले लिया, अब ज़रा अदनान को लेंगे। हाँ जी ज़फ़र भाई, क्या हाल है, ठीक है? ज़फ़र भाई परेशान हो गए हैं, वीडियो बन रही है। अभी जिनसे मैंने आपकी मुलाकात कराई, ज़फ़र भाई माशाल्लाह बेस्ट वे सीमेंट के चिन्योट में डीलर हैं ये, और हमारा काम भी तकरीबन इन्हीं से ही चलता है और इनका काम भी मार्बल से रिलेटेड जितना भी है वो हमसे चलता है। काफ़ी पुराने डीलर हैं ये। और यार मैं ये ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, किधर है? आ ना यार, मुझे लेट हो रही है, जल्दी आ। बहुत ढीला बंदा है, बहुत ही ढीला बंदा है। अदनान को उठाते हैं हम यहाँ से, फिर चलते हैं। ये हमने घर तैयार किया है, इसमें सारा काम हमारी तरफ से हुआ है, स्लिमी मार्बल की तरफ से। ये स्टेप्स हैं ग्रेनाइट के, बकाया टाइल लगी है और बाकी ये स्टेप हैं ग्रेनाइट के, ट्रॉपिकल लगा हुआ है और इसकी रजर जो है वो ग्रेनाइट ब्लैक की लगी हुई है। अभी ये गंदी है, ज़रा जब साफ़ होगी फिर इसके ज़रा दिखाएंगे आपको। ये वाला घर फॉर सेल के लिए अभी रेडी हो जाएगा, आपको इसकी डिमांड बता देंगे कि कितनी डिमांड है, और अभी इसका ज़रा पेंडिंग है अभी, वो भी बताएंगे कि क्या है इसका क्या सीन है, सेल है या जो भी है। लेकिन ये वाला फॉर सेल के लिए होगा, वो आपको बताएँगे फिर कितना इसकी डिमांड बनती है। अभी इस घर का काम शुरू है और अभी ये देख रहे हैं ग्रे स्ट्रक्चर है सारा, अभी इसका थोड़ा सा काम शुरू हो चुका है। ये अभी किचन के स्लैब लग चुके हैं और ये विंडोज़ लग चुकी हैं सारी तकरीबन ऊपर नीचे की। अभी इसकी रह गई हैं ये स्टेयर्स रह गई हैं सारी। अब ये देखते हैं कि ये कौन सी रेडी होती हैं, फिर आपको ये भी दिखाएँगे। ये अब आया ड्रामेबाज, अब आया नहीं, मैंने खोलना लॉक। ये अब वक्त की पाबंदी, ये काम वाले आ गए, इस तरह तुम्हारे 12 मुरब्बे हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna. लाल मिर्चें सूख रही हैं धूप में। वाह अदनान तुझे इसी पे लिटा दूं मैं। बकरे की तरफ बकरा देख लें। अदनान साहब की फरमाइश है सरदाई पीनी है। कोई सीधा काम नहीं आजकल नंदा, ना वक्त की पाबंदी ना किसी चीज की। मैं 15 मिनट हो गए मुझे खड़े हुए वहाँ। आ जा आ जा आ जा। और अब सरदाई। चलो जी। पहले काम बाद में खेल। मैं वेख रहा हूँ तो काम। मैंने भी शुरू भी नहीं किया अदनान साहब घटक के अंदर सारी हुए देख रहा गिलास खाली है बिल्कुल तकरीबन थोड़ी सी है। मैंने घर में तो एक दफ़ा बना के पी हुई है लेकिन बाहर वाली आज पहली दफ़ा टेस्ट करूँगा। मैंने कभी नहीं पी। चेक करते हैं। सही है लेकिन बुरी भी नहीं है। लेकिन वो वाली नहीं है खालिश चीज़ें घर की फिर खालिश ही होती हैं। अब मुझे लग रहा है इसने दूध की जगह कोई पाउडर शाउडर डाला हुआ। पानी 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 का जायका ज़्यादा है। घर बनाई थी मैंने बहुत आला बनी थी। इंशाल्लाह दोबारा किसी दिन बनाएंगे। ये बकरा तो लिया है देख। बकरा अच्छा भी है प्यारा भी है। एक फॉल्ट है एक फॉल्ट अदनान साहब एक फॉल्ट है खसी नहीं है। खसी जानते हैं जो नहीं जानता वो किसी से पूछ ले। मैं नहीं बताऊंगा क्यों ना। हाँ मैं नहीं बताऊंगा। तो ये मसला बकरा अच्छा है पैसे भी मुनासिब हैं। पैसे तो फिर कर ही लेंगे अपने बंदे हैं मामू का बेटा है जिसने रखा हुआ। पैसा तो फिर घर की बात है लेकिन जो खसी है ना वो ज़रा बात थोड़ी जम नहीं रही है मुझे। खसी बकरा तो हम अब खसी बकरे की तलाश में। ये जी दीन गार्डन का जू। छोटे हिरन यहाँ है बड़ा हिरन यहाँ है। ये रहे हिरन। आओ भाई हिरन पार्टी। ये रहा शुतुरमुर्ग। वैसे देखा जाए इनका जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल मुझे तो ख़ास तौर पे पसंद नहीं आया। उसकी वजह ये है कि कोई छाँव का इतना ज़्यादा वो नहीं है इंतज़ाम प्रॉपर जिस तरह होता है। बाकी अदनान साहब से रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ यही देखभाल इनकी करते हैं कि यार इनके थोड़ा सा होना चाहिए ख्याल वगैरह ना। धूप काफ़ी है गर्मी और हिरन भी गर्मी का शिकार।